Please.
उस पुत्र द्वारा हम ईश्वर की संतान बन गए हैं। अब हम ईश्वर के सचमुच पिता कहकर पुकार सकते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। आप लोग पुत्र ही हैं, इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह कहकर पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। प्रभु की वाणी है। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चलने में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रख विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था, वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। अब 8वें दिन बालक के खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे वही नाम प्रभु का सुसमाचार। माता पिताओ, ये नए साल सब में उमंग उत्साह और जोश भर देता है। कभी कभी इतना उत्साह और उमंग में हम आ जाते हैं, और विशेषकर आज के दिन को मंगलमय और सुखमय बनाने के लिए बहुत तरह तरह
तरह से लोग तैयार हैं। और कोई योजनाएं बनाते हैं आज के दिन पिकनिक जाने के लिए, कुछ लोग अपने दोस्तों से मिलने के लिए, अपने इष्ट कुटुंबों से मिल करके और अपने मित्रों से मिल करके नए साल का मुबारकबाद देने के लिए, और इसी प्रकार का भी जो उत्साह उमंग है, योजनाएं हैं पूरे साल की, उसको अच्छी तरह से शुरुआत करना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर उपस्थित हम प्रत्येक जरूरी है, किसी किसी ने सोचा होगा कितना भी जैसा भी चाहिए, चलिए नए साल में हम सब नया शुरुआत करें, नए साल हम सब गिर जाना चाहिए, या हम नए साल में किसी दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि बढ़िया से मेल मेल से रहें। ऐसे हम लोगों का किसी किसी मन में भावनाएं आए, और वैसे सोच भावनाओं को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर ईश्वर के पास आए हैं, इसके मंदिर में उसके चरणों, अपने सभी अपनी आशाओं, अपनी योजनाओं और आने वाले दिनों के लिए जो भी कार्यक्रम है उसको संपूर्ण रूप से ईश्वर के लिए समर्पित करें। चाहे उस योजना को हम देखे नहीं है, सोचे नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में जो भी हो ईश्वर के पास से हो, इस प्रकार की भावनाओं को लेकर के आए। और नए दिन में, नए साल में और इस नए जीवन में हम लोग ऐसा ही अच्छे उम्मीद कृष्ण प्यार। जब ऐसे सोच रहा तो हम सभी को अच्छी तरह से अपने आप हाँ को ईश्वर के लिए समर्पित कर सकते, जिस तरह से माता मरियम ने अपने आप को संपूर्ण रूप से पूरे विश्वास के साथ समर्पित किया और अपने जीवन को, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाया। वैसे निभाने के लिए हम प्रत्येक शब्द अपने अपने मनसूबा बांध करते दिल में, मन में, सोच में, और उसके लिए हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं। अभी क्रिसमस के दिन जो दूसरे अन्य भाई लोग बहुत देर के 11 बजे से लेकर के जब तक गेट बंद नहीं हुआ तब तक वो भीड़ के थी, चरनी के पास प्रार्थना करने के लिए कितने लोग उमड़ पड़ते थे, भीड़ में जा नहीं सके थे मानस भी, फिर भी दूर से वे हाथ जोड़ते हुए भी शिव झुकाते थे, और वहाँ पर पत्थर पे भी इकट्ठा हुआ था जो अपने अभिलाषाएं हैं आने वाले दिन के लिए, जो अपने आप को जो भी प्रार्थनाएं हैं ईश्वर के लिए चढ़ाएंगे। इतने दिनों तक आप जीवन में अशांति रही हो, कष्ट रही हो, दुख रही हो, या अपने अभिलाषाओं को जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं उसको उस पत्थर पर पेटी में डाल दिए, अनाउंस सभी किया जा रहा था और बहुतों ने उस पत्थर पेटी में अपने प्रार्थनाओं को, अपने आशाओं को पूरे विश्वास के साथ ले गया। और अभी बहुत सारे थे जो पत्र थे उसको मैं एक एक करके पढ़ते हुए उनके लिए प्रार्थना शाम सुबह करते हुए, उसमें से एक मैं देखा, एक लड़का बहुत सुंदर उसमें लिखा था कि यीशु मेरे जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए, गिरे हुए जीवन से ऊपर उठने के लिए मदद कीजिए, मेरे जीवन में बहुत सारी कमजोरियां हैं, और उन्होंने अपने अपनी कमजोरियों को लिखते गया और कहा उसमें कि परिवार में अशांति है, माता पिता के बीच में कभी अच्छी तरह बातें नहीं होती है, हम बाल बच्चों में भी बहुत सारे बिखराव है, यीशु मदद कीजिए मेरे परिवार को और मुझको आगे बढ़ने में साथ दीजिए।
हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर हम दीनता पूर्वक हमारे सभी आवश्यकताओं को प्रार्थनाओं को निवेदनों को हम ईश्वर के लिए समर्पित करें। निष्कलंक कुमारी मरियम ने शाश्वत सत्य को गर्भ में धारण किया और अद्भुत रीति से उससे जन्म दिया। ईश्वर की कलीसिया अटूट विश्वास के साथ उन्हीं प्रभु की प्रतीक्षा करें और उनके आगमन पर उल्लासपूर्वक उनका स्वागत करें। आइए हम आज इस दिन में माता कलीसिया माता मरियम का महोत्सव मना रही है। हम इस दिन में हमारे परिवार के सभी माताओं के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर जिस कृपा और आशीष को माता मरियम ने प्रदान किया था उसी आशीष कृपा को हमारे परिवार के सभी माताओं के लिए ईश्वर प्रदान करें, जिससे हमारे परिवार में ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद ईश्वर की ओर से हमें मिलता रहे और हम अपने परिवार में जिस तरह से माँ मरियम अपने परिवार में रह करके ईश्वरीय परिवार बनाने की उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत की है, वैसे ही हमारे सभी परिवार की माताएं अपने उस जीवन के द्वारा सबों के लिए एक आदर्श परिवार प्रस्तुत कर सके, इसके लिए हम 23 वर्ष से निवेदन करें। ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए
जहाँ पर ईश्वर निवास करता है, हम उस मंदिर में निवास करते हुए हम ईश्वर की ही महिमा का गाते हुए हम प्रेम पूर्वक अपने परिवार में जीवन बिता सकते हैं। इसके लिए 23 वर्ष से निवेदन करें Thank you.
कृष्ण और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को दे
सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलिदाया जाएगा। भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तो मुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है नवी और अनंत व्यवस्था का, जो तुम्हारे और भक्तों की पापों की क्षमा के लिए आया जाएगा, तो मेरे स्मृति में याद करो। Thank you.
शांति छोड़ जाता अपने शांति को मैं प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा उन से शांति तथा एकता प्रदान कर। जीता और राज्य करता thank you.
Thank you.